नमस्कार, एक फिर से स्वागत है आपको टुडेज न्यूज में। और मैं कुमार अभिषेक आज फिर से हाजिर हूँ आज की बेहद ही अहम राजनीतिक खबर को लेकर के, एक अलग ही एनालिसिस और रिपोर्ट को लेकर के। लेकिन इससे पहले कि हम आज की खबर आपको बताएं, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हों तो आप तक पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए। और अब बढ़ते हैं आज की इस बड़ी खबर की तरफ। बता दें कि वायानाड में राहुल गांधी का जीतना करीब करीब तय है, लेकिन अमेठी में हो सकती है स्मृति ईरानी की जीत। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने दो जगहों से चुनाव लड़कर के जनता के मन में ऐसे कई सवालों को जन्म दे दिया है जिसका उत्तर लोगों को 23 मई को ही मिलेगा। वैसे इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि अब राहुल गांधी के लिए सिर्फ अमेठी की चर्चा होती थी, पर अब इस लिस्ट में वायानाड भी आ गया है। आज की चर्चा इन दोनों सीटों की करने वाले हैं हम। पहले चर्चा करते हैं राहुल गांधी के नए लोकसभा क्षेत्र वायनाड की। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां के लोगों को आश्वस्त किया है कि वह हमेशा उनके साथ रहेंगे, यानी कि दोनों सीटों पर जीत मिलने के बाद गांधी वायनाड सीट को चुन सकते हैं, या यह राहुल गांधी की वायनाड की जनता को बरगलाने की चाल भी हो सकती है। क्योंकि एक बार अगर गांधी परिवार ने अमेठी छोड़ दिया तो फिर अमेठी में दोबारा कांग्रेस का जीतना नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि राहुल ने केरल में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहा कि मैं यहां राजनेता के रूप में खड़ा नहीं हूं, बल्कि एक बेटा और भाई के और दोस्त के रूप में खड़ा हूं। मैंने यहां से लड़ने का फैसला किया ताकि यह बताया जा सके कि दक्षिण भारत भी अन्य जगहों जितना महत्वपूर्ण है, और मैं वायनाड से ऐसा रिश्ता चाहता हूं जो हमेशा बना रहे। उन्होंने कहा कि बहुत कुछ है जो बाकी है और देश केरल से सीख सकता है। मुझे समझ में आ गया है कि आपके दिल में क्या है। मुझे आपके मुद्दों और चिंताओं को समझने की ज़रूरत है, और मैं मोदी की तरह नहीं हूं जो नकली वादा करते हैं, क्योंकि मैं आपकी बुद्धिमत्ता का सम्मान करता हूं और मैं आपके साथ एक दीर्घकालीन संबंध चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बहनें कहें कि मैं उनके लिए एक भाई हूं और आपका प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। कुल मिलाकर के राहुल गांधी की पूरी कोशिश है कि वह वायनाड की जनता से जुड़ सके, पर इनकी यही कोशिश अमेठी में शून्य दिखाई पड़ रही है। तभी तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 5 साल में सिर्फ एक बार नामांकन पत्र भरने के वक्त अमेठी की याद आती है। उन्होंने गांधी पर अमेठी की महिलाओं और गरीबी के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ घरों में शौचालय नहीं होने के कारण महिलाओं को खुले में शौच करना पड़ता था। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि अगर नामांकन भरने आने की मजबूरी नहीं होती तो राहुल गांधी 5 साल में भी एक बार अमेठी आने का कष्ट नहीं करते। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि जहां कांग्रेस नेता के घर में घी के दिए जलते हैं, वहीं गरीब महिलाएं शौच करने के लिए अंधेरा कोना खोजती हैं। मंत्री ने कहा कि पहली बार बीजेपी के शासन में अमेठी में 2 लाख परिवारों के लिए शौचालय बनवाए गए हैं। दरअसल ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी काफी पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं, और भले ही राहुल गांधी अभी अमेठी के मौजूदा सांसद हैं, पर स्मृति ईरानी हारने के बावजूद अमेठी से लगातार जुड़ी हुई है। और वैसे देखो तो वायनाड के सारे समीकरण राहुल गांधी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो या कुछ और। वहीं अमेठी में भाजपा ताकतवर हो गई है, और इस साथ ही इस लोकसभा क्षेत्र के लोगों का राहुल गांधी से मोह भंग होता भी दिख रहा है। इस वजह से भी अमेठी में राहुल गांधी की राह मुश्किलें भरी होती दिख रही है। कुल मिलाकर के अमेठी और वायनाड को देखकर के यही लग रहा है कि वायनाड से राहुल गांधी जीत सकते हैं, पर अमेठी में स्मृति ईरानी से पार नहीं पा पाएंगे। क्योंकि रिसेंट कुछ टाइम में जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने वहां पे कैंपेन किया है, लगातार वहां के लोगों से जुड़ी रही हैं, इसमें राहुल गांधी थोड़े पीछे दिखाई दिए हैं। और ये बात सच है कि स्मृति ईरानी जो आरोप लगा रही है वो ऐसे ही आरोप नहीं लगा रही है, उन्हें राहुल गांधी ने मौका दिया है इसलिए वो ऐसे कर रही हैं। तो ये बात सच है कि राहुल गांधी अपने बूते वायनाड में जरूर जीत जाए, लेकिन अमेठी इस बार राहुल गांधी शायद खो दें। वैसे तो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा कि क्या स्मृति ईरानी ने जितना दावा किया है या जिस तरीके जिस कॉन्फिडेंस में है वो सही पाता है या नहीं। लेकिन यह बात भी भूलना नहीं चाहिए कि अमेठी कांग्रेस का गढ़ रहा है, और अमेठी में राहुल गांधी को मात देना इतना आसान तो नहीं है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी खुद थोड़े पीछे नजर आ रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। और अनुमान की माने या रिसेंट कुछ एक्टिविटीज को देखें तो अमेठी में इस बार थोड़ा सा उलट होने की संभावना है।
खैर, हो सकता है आप में से कुछ लोग इस बात से सहमत हो और कुछ लोग नहीं हो, लेकिन आपके मन में क्या है, आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी अमेठी बचाने में सफल हो पाएंगे या फिर क्या अपनी कमियों की वजह से अमेठी खो देंगे वो, आप हमें जरूर लिख करके बताएं। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ लेटेस्ट न्यूज को लेकर के। देखते रहे हमारा न्यूज चैनल, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।